शिक्षकों के 38,000 से ज्यादा पद खाली हैं। हरियाणा सरकार पिछले 2 साल से हरियाणा नंबर 1 पर है बेरोजगारी में। हरियाणा सरकार हमारे युवा बेरोजगार बैठे हैं। हरियाणा सरकार हमारे युवा शिक्षक 6-6, 7-7 बार एसटेट पास किए बैठे हैं, सारी योग्यताएं लिए बैठे हैं। हरियाणा सरकार बहुत बार आपसे भर्तियों की मांग की जा चुकी है हरियाणा सरकार, उसके बाद आप ऐसे फैसले लेते हैं कि पड़ोसी राज्य के रिटायर्ड टीचर्स को एंगेज करेंगे शिक्षा विभाग की कमी को पूरा करने के लिए। तो ऐसे में हरियाणा के मौजूदा युवा कैसे रिएक्ट करेंगे? हरियाणा सरकार वाहवाही करेंगे आपकी या विरोध करेंगे आपका? क्या करना चाहिए ऐसे में एक युवा को जिसके प्रदेश की सरकार उनकी बेरोजगारी को अनदेखा करते हुए, दरकिनार करते हुए पड़ोसी राज्यों के रिटायर्ड टीचर्स को एंगेज करने की बात को अखबारों में ग्लोरीफाई करवाए? हरियाणा सरकार क्या करना चाहिए ऐसे में शिक्षकों को, युवाओं को? हरियाणा सरकार आप स्वयं जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इस पर आप वो नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपके प्रदेश के नागरिकों को, युवाओं को क्या करना चाहिए? हरियाणा सरकार ऐसे फैसलों से, ऐसी बयानबाजी से, ऐसे भाषणों से आपको क्या आनंद मिलता है? हरियाणा सरकार आप किस प्रकार का सेडिस्टिक प्लेजर ले रहे हैं? हरियाणा सरकार युवाओं के बारे में कौन सोचेगा यदि उस प्रदेश की सरकार ही नहीं सोचेगी? हरियाणा सरकार युवाओं को कैसा लगेगा जब आप एक तरफ कहते हैं कि आप 2 साल में हरियाणा को रोजगार युक्त बेरोजगार मुक्त बना देंगे, उसके बाद ऐसे फैसले लिए जाते हैं? हरियाणा सरकार युवाओं को कैसा लगेगा जब हमारा सीईटी 2 साल से बस चले ही जा रहा है, विज्ञापित होने के बाद डेली की डेली उसमें कुछ न कुछ संशोधन करवाए जा रहे हैं, फॉर्म भरे भराए दोबारा से फिल करवाए जा रहे हैं, कुछ न कुछ उसमें चल ही रहा है, लेकिन पड़ोसी राज्य दूसरी बार पीईटी लेने वाला है। पड़ोसी राज्यों का सिलेबस देखकर हमारे यहाँ का सिलेबस शर्मा जाए हरियाणा सरकार। एक एक लाइन का उन्होंने अर्थ ढंग से बता रखा है सिलेबस में, एक एक लाइन के आगे सब डिविजन्स करके उसके मार्क्स दिए हुए हैं हरियाणा सरकार। हमारे यहाँ पर तो सेम छाप के ईटीसी कर दिया। चलिए हमने उसके लिए भी धन्यवाद किया हरियाणा सरकार कि कुछ ना से कुछ तो सही। आप किस चीज में एक्सेल कर रहे हैं हरियाणा सरकार, ये बताना चाहूंगी। आप कर रहे हैं कि हम आगे ये करेंगे, हम आगे इतने युवाओं को नौकरी देंगे, ये हम आगे ये करने वाले हैं। इसमें आप आगे जो करने वाले हैं उसकी वाहवाही अभी से लूट रहे हैं। आप ऐसे हैं हरियाणा सरकार, आपने मौजूदा क्या किया है ये बताइए हरियाणा सरकार। युवा तो ऐसे ही घूम रहा है बेरोजगार हरियाणा सरकार। आपने कहा कि आप अग्निवीरों को 4 साल बाद गारंटी शुदा जॉब दे देंगे हरियाणा सरकार, लेकिन अभी के जो बेरोजगार बैठे हैं उनका क्या हरियाणा सरकार, उनको कौन देगा रोजगार हरियाणा सरकार? आपने तो शिक्षा जगत का बेड़ा गर्क करने की नई नीति ला दी है हरियाणा सरकार। ये अखबारों में हम क्या पढ़ रहे हैं आज हरियाणा सरकार? यदि आप पड़ोसी राज्य के रिटायर्ड शिक्षकों को यहाँ पर एंगेज करते हैं तो उसका पूरा शिक्षा जगत, संपूर्ण शिक्षा जगत विरोध करेगा। हमारे यहाँ के युवा बच्चे बेरोजगार के लिए तरस रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। आप पड़ोसी राज्यों से रिटायर्ड टीचर्स को एंगेज करने की बात कर रहे हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। ये एकदम शरणनाक कृत्य होगा, ये ठीक बात नहीं होगी हरियाणा सरकार। हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं आपको वो नहीं दिखे? हमारे यहाँ पे शिक्षक आपसे लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं, आपको वो नहीं दिख रहा है? इस फैसले का संपूर्ण तरीके से विरोध है। शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा मांगते हैं क्योंकि उनके रहते हुए शिक्षा जगत में एक भी ढंग का फैसला नहीं लिया गया है, उनका संपूर्ण तरीके से विरोध है। उनके इस्तीफे की मांग करते हुए हम हरियाणा सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि आप जो आज ये अखबार में आया है उस फैसले को तुरंत त्वरित कार्यवाही करते हुए वापस लें। यदि ये नहीं लिया जाता है तो संपूर्ण शिक्षा जगत के साथ साथ हर एक युवा इसका विरोध करेगा, जमकर सड़कों पर उतरकर विरोध करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये हमारे रोजगार, हमारे युवाओं के रोजगार के हित में लिया हुआ फैसला नहीं है।
कहां गया आपका 75% वाला जुमला हरियाणा सरकार? आप तो प्राइवेट में 75% रिजर्वेशन दे रहे थे, आप तो यहां पे हमारे बच्चों की सरकारी नौकरियां छीनने पर तुल गए हैं। शिक्षा जगत का बेड़ा गर्क हो चुका है, कभी एनजीओ के द्वारा भर्तियां करवाई जा रही हैं, कभी रिटायर्ड शिक्षकों को एंगेज करने की बात की जा रही है, जो मौजूदा शिक्षक हैं हरियाणा में जो सारी योग्यता लिए बैठे हैं, एस्टेट के नाम पे जो इतनी आपने लूट मचाई है, उन बच्चों को कहां लगाएंगे, कहां एंगेज करेंगे ये बताएं। क्यों हमारे हरियाणा में शिक्षकों की दुर्गति की जा रही है, शिक्षा की दुर्गति की जा रही है, स्कूलों की दुर्गति की जा रही है? एक प्रदेश में प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के बारे में ही नहीं सोच रही है तो उस प्रदेश के युवा कहां जाएं, क्या करें ये बताए हरियाणा सरकार। संपूर्ण विरोध है इसका, मैं बिल्कुल टीचर्स के सहयोग में खड़ी हूं इस चीज के, और आप ये फैसला तुरंत से तुरंत वापस लें हरियाणा सरकार।